कई बार कई वीर कहते अहीं कोने आ अहीं मोने आ अहीं वाले रखे हैं गुरबाणी नहीं पढ़ सकते। नहीं, कोने आ मोने आ नशेड़ी आ शराब पींदे आ जिदा दे मर्जी आ, मूँह हाथ धोवो जे गंदा शरीर तो नहावो। इशनान भी ता करना हुंदा, शरीर ताज़ा हो जूगा जो ताज़ा हो शरीर हो के किसी चीज़ में भी पढ़ते चाहे कोई किताब पढ़ते चाहे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पढ़ते, फिर गले सानू समझ ज़्यादा आती है कि तरोताजे हो जाने, उदा सुस्ती जी पई रही है। वैसे जे सुस्ती नहीं है, कई बार बंदा नहाँदा नहाँदा कहता चल हूँ अज जीने गांडे कल नू पढ़ दे पढ़ लाँगे, करके थोड़ा टाइम है तो मुँह धो के भी पढ़ लै पो। क्योंकि जो बंदा नशे करता, एक बंदा बीमार वा, बीमार नू तो दवाई की लोड़ आ, वो दवाई ना सही होगा। नशिया वाला तो बंदा बीमार होया, गुरबाणी वो दवा वा वो ना सही होगा। जे बंदा कह दे नहीं तू ठीक हो गया फिर अं तेनों दवा देवे, पिही दवाई तेनों उदन देवे जदन तू ठीक हो के आ जाएगा, तो फिर बंदा पुछे उन्होंने दवा की लोड़ आ। जोड़ा अगे साध आ जिन्हें सारा साध्या पिया वा, वो फिर गुरबाणी तो अपना शरीर ही गुरबाणी है, गुरु की बाणी तो फिर ही लोड़ आ भी जे बंदा किराए पै गया तो उन्होंने सही राय पाना। इस करके कभी भी डकना नहीं चाहिए भी तू नशे करदा तो गुरबाणी नहीं पढ़नी, नहीं पढ़ दो उन्होंने भी गुरबाणी, कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि गुरबाणी पढ़ूगा तो सीधे राह पाऊगा, गुरबाणी की शक्ति तो फिर ही असर करेगी, समझ उन्होंने आऊगी, आपे नशे छड़ दूगा। जिन्हें नहीं छड़ने उन्हें फिर पढ़ते भी नहीं छड़ने, कई है गुरबाणी पढ़ते पर नशे करते। कईयां दे मन दे विच इह वहम हुंदा भी कई बार जिवें घर च बीबी कोई हुंदी आ, वह गुरबाणी पढ़ना तो चाहुंदी आ, पर बीबी दा घर वाला जिहड़ा वा उह नशे करदा हुंदा वा, ते वह बीबी कहिंदी भी इह नशे करदा शराब लिआउंदा घर च, इस करके मैं घर च संचियां नहीं रख सकती, मैं गुरबाणी नहीं पढ़ सकती। जे रब इहो रब कहे भी मैं इस धरती दे उत्ते नंबल पाप बड़ा हो डिया, मैं धरती ते नहीं रह सकदा, ते की फिर रब भज्जे इत्थों? नहीं, गल आ वो बंदा अपना कर्म खाण डिया, कहिंदे बंदे ने आपो अपने कर्मा दा खाना, आपो अपना लेखा जोखा देना वा। वो अपनी शराब लिया के पीण डिया, नित दा कर्म करण डिया वा, माड़ा कम करण डिया नित, ते फिर चंगे कम करन वाले नू कादी रोक आ। जे वो अपना नशे करण डिया वा, वो दिल करदा वा नशे करदा शराब पीण डिया वा, तुसीं तुहाडा गुरबाणी नू जी करदा, तुसीं गुरबाणी पढ़ो लिया के, कोई पाप नहीं आ भी वो नशे करदा वा। अपने सुचे थां ते रखो, ट्रंक च रखो, जां किसे जिथे भी तुसीं रखना वा, ते अपना जदों जी टाइम लगता गुरबाणी पढ़ो। ते कोई समय दा वहम नहीं होना चाहिए, सवेरे ही पढ़ना जां शामां दुपहरां नहीं, जपजी साहिब आउंदा वा रात नूं भी आउंदा, रात नूं कर दो, जे बेला वक्त विचारीए कित वेले भगत होए, गुरबाणी दा कोई टाइम नहीं हुंदा। ते इहो जे वहम नहीं करने चाहिए भी न घर च नशे करदा वहीं तां नहीं गुरबाणी पढ़नी, नशे नुशे वो अपना नशे करन वाला अपने नशे करी जांदा, तुसीं अपने बाणी दा नशा करना, अपना बाणी पढ़ो। इस करके ये सिर्फ एक मना दे वहम आ जिहड़े साडे मना अंदर पाए जांदे आ सानू गुरबाणी तों डकण नूं, कुछ वहम ही मना च आप बना लैने आ। इस करके इहो जिहे जिहड़े वहम आ भी हाण वधिया रमाला होवे अहीं घूने आ जां हन संथिया ने लई, ये वहमां नूं कढ के जां घर च कोई नशे करदा वा जां अहीं नशे करन डे आ, ये वहमां नूं मन चों कढ के गुरबाणी नूं शुरू करना चाहीदा वा। एक अंग पढ़ो, दो पढ़ो, पंज पढ़ो, दस पढ़ो, बाकी तो फिर जिहड़ा बाणी पढ़ाई जाण डिया अहीं कह दिंदे आ ना जागत जोत आ गुरु नानक साहिब हाजर नाजर आ, जे फिर हाजर नाजर आ तो आपे सही कर देणगे, जां फिर हाजर नाजर ही ना मन्नियो, फिर गलत ही है ना भी जिन्हें हाजर नाजर उन्हें सब कुछ सही कर देना वा। आपे जो गुरबाणी पढ़ोगे समय ना आपे सही हो जाना। जे अगला बंदा नहीं सही हो रहा यह नहीं आ गल, ताडा मन ही दृढ़ हो सकता, वो अपने कर्मा का फल भोगन डिया वा। नशा जिहड़ा वा किसी दे शरीर नूं लगना, हर कोई नशा करना नहीं चाहुंदा, पर नशा एक कोड़ आ जिवें पिछले कर्मा का फल ही हुंदा वा। नशे करन वाला जिन्ना दुखी हुंदा वा उहनूं वेख के वेखण वाला उन्ना दुखी नहीं हुंदा, क्योंकि नशा करना नूं हर वेले फिकर लगा रहिंदा मैं कल नूं भी खाणा वा। इस करके वो अपने कोड़ का रोग जिहड़ा भोगन डिया वा इस जन्म दे विच, उहनूं भोगण दो अपना रोग, तुसीं अपने कर्म सुधारो, गां गुरबाणी पढ़ो, समझ लो रब दे राह पो, करके सारे का आपो अपना लेखा जोखा वा। इहो जे जिहड़े वहम कढ के गुरबाणी पढ़नी चाहीदी, एक एक दो दो अंग जिन्ने भी तुहाडे कोल थोड़ी तो थोड़ी पढ़ी जांदी पढ़ो, अपनी गुरबाणी की विचार करो, करके कोई भी वहम नहीं होना चाहिए। जे किसी कोई वहम होया तो थले सवाल कर दियो, जवाब वह भी दे देंगे। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।